जैसे कि आप सबको पता है फ्रेंड झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है जिसमें उनचास सौ उन्नीस पदों पे मैट्रिक पास पे शानदार भर्ती निकाली गई है इंडिया के आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो झारखंड के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है आप में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि सर ऑनलाइन फॉर्म भरने में पेमेंट जमा करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है जो आपका अप्लीकेशन फी लग रहा है सौ रुपया किसी को पचास रुपया तो ये अप्लीकेशन फी जो है जमा करने में समस्या हो रही है क्योंकि और मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था तो अभी फिलहाल जो सिर्फ नेट बैंकिंग के माध्यम से ही पेमेंट रिसीव किए जा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नेट बैंकिंग नहीं है और खास करके एस जैसा बैंक भी उसमें नहीं था और एस जो है बहुत ज्यादा लोगों के पास है नेट बैंकिंग के तौर पे पेमेंट जमा करने के लिए तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी पेमेंट जमा करने में एच नहीं था आईसीआईसी बैंक नहीं था जो मेजर बैंक थे वो नहीं थे नेट बैंकिंग अब जो है जाके फिर जो है फाइनली झारखंड एसएससी ने जो है पेमेंट गेटवे को और ज्यादा बढ़ा दिया है अब आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट को जमा कर सकते हैं कैसे जमा करना है कैसे फॉर्म को भरना है आइए मैं आपको जो है डिटेल में समझाता हूं ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो कैसे आपको अप्लीकेशन फी जमा करना है फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है और इसके अलावा फॉर्म को फाइनल सबमिट कैसे करना है सारी चीजों को हम यहाँ पे जो है डिटेल में समझने वाले हैं तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ तो फ्रेंड्स उननीस पदों पे दसवीं पास परमानेंट जॉब जो है यहाँ पे निकाली गई झारखंड पुलिस कांस्टेबल की इसमें सबसे सब खास बात यह है कि पॉलिस में आपका जो फिजिकल होगा उसके बाद से रिटर्न एग्जाम होता है ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस भर्ती की सारी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक मिलेगा अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपको लेकर चला जाएगा झारखंड एस की ऑफिशियल वेबसाइट से जहां से आपको फॉर्म को भरना है यहाँ इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है We'll be right <laughs> back. वो 22 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए और यहाँ पे एग्जामिनेशन फी जमा करने के लिए 23 फरवरी रखा गया है और अगर आप अप्लीकेशन फी जमा कर दिए हैं तो फोटो सिग्नेचर जो है पच्चीस फरवरी तक कर सकते हैं और कोई भी करेक्शन करना है डेडिकेटेड करेक्शन तो आप यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं छब्बीस से अट्ठाईस तारीख तक अब ऐसे में हम समझते हैं कि कैसे आपको पेमेंट करना है तो देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग जानते हैं अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अप्लाई वाला फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बहुत इजी रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे जानकारी को भर के और यहाँ पे आप जैसे ही प्रिव्यू करेंगे आपका पेज पर रिव्यू आएगा जानकारी को वेरीफाई करेंगे सबमिट करेंगे आपको तुरंत तो जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है और आपका पहला स्टेज यानी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है अब बता दें रजिस्ट्रेशन करने के बाद से लॉग इन करना है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ मेरे पास एक जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आईडी पड़ा हुआ है तो हम इसी के थ्रू लॉग करते हैं और एक मैं लाइव पेमेंट जमा करके आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कैंडिडेट्स का जो है लॉग कर लिया है यहाँ पे जो है लॉग करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको आएगा तो डिस्ट्रिक्ट का प्रीफ्रेंस आपको देना है तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का प्रीफरेंस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं उसके बाद से आपको सबमिट सबमिशन एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आएगा तो आगे चलते हैं पहले इसको जो है दे देते हैं प्रीफरेंस कैसे देना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था पिछले वाले वीडियो में अगेन बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है कैसे रेशन करते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है हमने बस उसमें पेमेंट करके दिखाया नेट बैंकिंग के थ्रू तो वो वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे हमारे नेट बैंकिंग नहीं है तो मैंने बोला था कि आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है क्योंकि वेट करेंगे तो कुछ दिन बाद जो है आपको और भी बहुत सारा पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा तो फाइनली आ गया है, तो उसी को हम करके दिखाने वाले हैं चलिए हम आपको थोड़ा सा के बारे में बता दें देखिए मान लीजिए आपने जो है ओबीसी से फॉर्म को भरा सॉरी ओबीसी मान लीजिए आपने SC से फॉर्म भरा अब देखेंगे तो एस में कहा कितनी वैकेंसी है यहाँ देखेंगे तो नियमित वैकेंसी है मतलब जो है रेगुलर वैकेंसी और एक होता है बैकलॉग वैकेंसी अब एस में देखेंगे तो आपका ये जो है रांची जिला का कुल छिहत्तर पोस्ट है रेगुलर वैकेंसी में अब इसमें देखेंगे तो एस में अनुसूचित जाति में कोई भी सीट नहीं है तो हम इसको नहीं डालेंगे पहला प्रीफरेंस अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जिसमें वैकेंसी आपकी कैटेगरी में उसी को आप पहला प्रीफरेंस दीजिएगा पे देखेंगे तो हजारीबाग में एससी में देखेंगे अनुसूचित जनजाति में आपका जो है पैंतीस पुरुष के लिए और अठारह महिला के लिए यानी ज्यादा वैकेंसी है इसमें तो इसको आप पहले नंबर पर रख सकते हैं इसके अलावा इससे भी ज्यादा कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है तो आप उसको भी प्रीफरेंस में रख सकते हैं यहां देखेंगे ना तो इस तरह से आपको जो देना आप देखेंगे महिला के लिए यहां पे धनबाद में महिला के लिए बयालीस सीट है अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जाति में यानी एससी में तो ये बयालीस मतलब ये पोस्ट है जिसमें आपका धनबाद वो पहला डिस्ट्रिक्ट डाल सकती है अगर कोई लेडीज है तो आपको देखना है कि मेरे कैटेगरी में मेरे जो है आ, 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 मतलब कैटेगरी जाति में आ, आ, सीट कितना है उसके अकॉर्डिंग अब देखिए यहां पे एस में देखेंगे तो यहाँ पे दुमका जिला में जो है छिहत्तर पोस्ट जो है सिर्फ महिलाओं के लिए रखा गया है तो अब महिला यहाँ पहला प्रीफरेंस डाल सकती है तो आप पहले देखिए कि आपका कैटेगरी क्या है और उसमें अब देखिए यहाँ पे 109 पद है सिर्फ महिला के लिए एसटी में आप देख रहे हैं ना तो ये जो है सबसे अच्छा है सरायकेला खरसावा पहला प्रीफरेंस क्योंकि सबसे ज्यादा पद नौ है तो इस तरह से आप को अपने अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी को देखते हुए आप आप पे को डालना है 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 कि पहला किसको 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 देना 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 दूसरा तीसरा तो इसको जो सातवां रख सकते हैं इसको बारहवा रख सकते हैं इसको रख सकते हैं अभी जिला का नाम यहां दिया हुआ है और उसका बारह नंबर पर आप प्रिफरेंस डाले इसको तेरह नंबर पर प्रेफरेंस डाले हैं तो ऐसे आपको जो है क्या करना है फ्रेंड्स जो है प्रीफरेंस को डाल देना है तो आप देख लीजिएगा कि कैसे प्रिफरेंस आप डाल रहे हैं मैंने आपको सारी जानकारी बता भी दिया कैसे आपको प्रीफ्रेंस डालना है और उसी हिसाब से ही आप प्रिफरेंस डालिएगा मेरे मैंने जो सिलेक्ट किया वो आप बिल्कुल मत सिलेक्ट करिएगा पहले आप एक लिस्ट बनाइए कि सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिफरेंस को डालिए और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करिए तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया मेरा देखेंगे अपलीकेशन भी पचास रूपये लग रहा है पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग ही ऑप्शन आ रहा था तो नेट बैंकिंग में आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे यही सब बैंकिंग आ रहे थी अब देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है यूपीआई है यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो आप जनरेट क्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्कैन कि भी आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं या यूपीआई आई डी यहाँ लिख के वेरीफाई करेंगे, तो करेंगे तो आपके फोन पे या गूगल पे पे जाएगा और डेबिट कार्ड यूपीआई ये सारे ऑप्शंस आपके जनरेट हो गए बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है, है तो फ्रेंड्स बिलिंग में कैंडिडेट्स का ही नाम भर दीजिए कैंडिडेट्स का ही जानकारी भर सकते हैं या कुछ भी यहाँ भर सकते हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है यहाँ अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए जीप कोड लिख देंगे तो ये सारा आ जाएगा यहाँ ईमेल एड्रेस मोबाइल एड्रेस जो है आप यहाँ लिख दीजिएगा और उसके बाद से यहाँ पे पेमेंट को जमा कर लीजिएगा तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है चलिए यहाँ पे मैं पेमेंट जो है कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे यूपीआई के थ्रू जो है फोन पे के थ्रू जो है यूपीआई वेरीफाई करके हम यहाँ पे पेमेंट जमा कर लिया ये थोड़ा सा वेट करना है आपको यहाँ पे इस तरह से टाइमिंग चलेगा और फोन पे गूगल पे पे जो भी आपने यूपीआई डाला है वहां पे जाएगा मैसेज आप वेरीफाई करके पिन को वेरीफाई कर लीजिएगा और देखिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं यूपीआई के थ्रू या कार्ड के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू आपको जो है सात रुपये आठ रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ रहे थे अब देखिए मेरा पेमेंट हो भी गया देखिए होते ही यहाँ पे तुरंत रिटायर कर दिया फोटोग्राफ पे सिग्नेचर पे तो आप इसी तरह से पेमेंट को जमा करेंगे जो भी आपका फोटोग्राफ है सिग्नेचर चूज करके अपलोड पे क्लिक करेंगे अपलोड हो जाएगा फाइल साइज दिया और बीस से पचास केवी के बीच आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है सिग्नेचर पांच से बीस केवी के बीच अपलोड करनी है चले चूज करते अपलोड पे क्लिक करेंगे अपलोड हो जाएगा सिग्नेचर को चूज करते अपलोड करते अपलोड हो जाएगा उसकी वो फाइनल सबमिशन है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है तो फ्रेंड्स हमने पे फोटो सचर को अपलोड कर लिया है अब यहाँ पे करते हैं फाइनल सबमिशन नेक्स्ट ने पे क्लिक अब यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है आपका नाम शो करता है रेशन नंबर शो करता है आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे देखिए हमारा प्रिंट आउट निकल गया और हम इसे क्या करेंगे प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा आप लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉग आउट कर लेंगे लॉग आउट करने के बाद से फ्रेंड्स आप जो है लॉग इन पेज पे आ आते हैं यहाँ पे अगर आपको दोबारा लॉग इन करके देखना है तो लॉगिन भी आप कर सकते हैं आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा तो ये फ्रेंड्स था पूरा प्रोसेस की कैसे आपको जो है पेमेंट जमा करना है यूपीआई के थ्रू या कार्ड के थ्रू डेबिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है और डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन आ चुका है किसी भी कार्ड के थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं आपके पास एटीएम कार्ड है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं और बाकी सबसे बेस्ट है यूपीआई यूपीआई तो सबके पास है या स्कैन करके अभी आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप जो है कर सकते हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो है अब आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और मैं आपको अवश्य रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा अगर नहीं रिप्लाई कर पाता हूं तो मैं पूरा एक वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए अपने दोस्तों को शेयर करिए मिलते हैं कि फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में आपका दिन शुभ हो जय हिंद और हाँ अगर आप हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पे मैं आपको जो है बहुत से जानकारी शेयर करते रहता हूं छोटी छोटी जो वैकेंसीज आती है क्योंकि उससे वीडियो के माध्यम से बनाना बहुत ही मुश्किल है और रेगुलर कितना वीडियो बनाया जाए आप खुद देख सकते हैं चैनल पे जाकर रेगुलर चार पांच वीडियो तो मैं बनाता हूँ बनाता हूँ लेकिन कुछ ऐसे अपडेट आते हैं जो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो हम जो उसे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए वहां पे आपको बहुत सारी अपडेट छोटी मोटी शेयर की जाती है मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद